महाराजगंज जिले के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के रनियापुर समय धीरा मार्ग पर आज बाइक सवार अज्ञात चार लुटेरों ने एक स्वर्ण व्यवसायी से 55,000 नकद समेत 6,50,000 के जेवर की लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट की सूचना के बाद सर्किल के समस्त थाने की पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का जायजा लिया और कहा कि जल्द ही लूट की घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत पोखर भिंडा निवासी सूर्य नारायण वर्मा उर्फ लारी वर्मा आज अपने घर इटिहा से फेरी करके बड़हरा कहीं होते हुए अपनी दुकान रानीपुर जा रहे थे। ज्यों ही स्वर्ण व्यवसायी के रनियापुर समय धीरा मार्ग के कब्रिस्तान के पास पहुंचे थे, तभी दो बाइक से सवार चार अज्ञात लोग ओवरटेक करके कब्रिस्तान के चार दीवारी पर धक्का देकर गिरा दिया और मोबाइल व मोटरसाइकिल की चाबी कब्रिस्तान के चार दीवारी के अंदर फेंक दी। मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर 55,000 रुपए नकदी व लगभग 6,50,000 के जेवर लूट कर फरार हो गए। स्वर्ण व्यवसायी सूर्य नारायण वर्मा ने बताया कि लूट के बाद उक्त लुटेरे मधुकर महादेवा होते हुए फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुरंदरपुर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक महाराजगंज प्रदीप गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा और मातहतों को दिया दिशा निर्देश। एसपी ने बताया कि इस मामले का खुलासा जल्द ही कर लिया जाएगा। पब्लिक न्यूज के लिए महाराजगंज से विजय चौरसिया की रिपोर्ट। पुरंदरपुर क्षेत्र में लारी वर्मा नाम के एक व्यक्ति है, ये सोने चांदी की फेरी का काम करते हैं, गाँव गाँव जाके बेचने का। अपनी मोटरसाइकिल से ये निकले थे। इनका कहना है कि चार लोग दो मोटरसाइकिलों पे आए और पीछे से इनको धक्का देके इनकी मोटरसाइकिल की जो डिग्गी है उसमें से थैला निकाल ले गए हैं। उसमें कुछ सोने चांदी के जेवर और कुछ कैश आदि है। अब इनसे तहरीर ली जा रही है, जो भी तहरीर देंगे मुकदमा लिखा जाएगा और बाकी कई पहलुओं पर हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। अब इसको अभी उन्होंने सूचना नहीं दी है, जैसे ही वो बताएंगे हम आपको अवश्य बताएंगे। मेरा नाम सूर्य नारायण वर्मा, सनाफ राजकुमार वर्मा, ग्राम पोखर भिंडा, टोला इटहिया के रहने वाले हैं। हमारी रानीपुर में सोने चांदी की दुकान है। हम जो है ढाई बजे करीब जो है हम घर से निकले, जो है कवलदा चौराहे पे आए, वहाँ पे पान खाए, वहाँ से आने के बाद बड़हरी गांव में गए तगादे के लिए। वहाँ से जो निकले तो वहाँ से रास्ते में जो है कब्रिस्तान के पास दो बाइक पे चार लोग सवार ओवरटेक करके गिरा दिए और दो लोग सर पकड़ के दीवार पे दबा दिए और दो लोग जो है मोबाइल और गाड़ी की चाबी छीन लिए और उसके बाद में डिक्की में रखा सामान उसको छीन लिए। डिक्की में रखा सामान अनुमानित 55,000 रुपये नकद था और उसके बाद में पुराना सोने चांदी का जेवर और नया मिला के सब 6.5 लाख के करीब का था।